हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वी आर स्टार्टिंग. दिस इज़ योर ईवीएस सब्जेक्ट एंड वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर ईवीएस, है ना. हम आपकी ईवीएस का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यूनिक यानी कि सबसे अलग, यूनिक यानी कि अलग, है ना, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो अलग दुनिया होती है उसमें हम पढ़ेंगे उनके बारे में. यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है यहाँ पर जीव. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आर चैप्टर. अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग क्रिएचर्स अराउंड अस. दीज क्रिएचर्स एनिमल्स हैव देयर ओन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. कि हमारे ये जो चारों तरफ है बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं या छोटे छोटे प्राणी हैं वो रहते हैं. ये जो क्रिएचर्स है, ये जो प्राणी हैं, इनकी सबकी अपनी अपनी स्पेशल कुछ बातें, कुछ खासियतें इनकी होती है. दे गेट देयर फूड एंड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ. वो अपना खाना जो है वो अलग अलग तरीक़ों से लेते हैं और अपने आप को अलग अलग तरीक़ों से प्रोटेक्ट भी करते हैं. इन डिफरेंट वेज दे फाइंड आउट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर. और अलग अलग तरीके से उनको अपना खाना अवेलेबल होता है और वो वहाँ पर पहुँचते हैं. जैसे कि ये आपको दिख रही आंट, अभी आंट क्या करती है आपको पता है? ये अपने पीछे एक स्मेल ऑर्डर यानी एक खुशबू सी एक स्मेल छोड़ती जाती है, जिसकी वजह से ये सारी जो आंट है वो एक लाइन बनाकर उसके एक आंट के पीछे पीछे चलती है. अब जैसे कि बैट है, अब बैट कैसे, उसको दिखता नहीं है लेकिन फिर भी वो रात में उड़ सकता है ना. तो रात में उड़ सकता है तो किस वजह से उड़ सकता है? ये इको साउंड की वजह से. ये अपने मुंह से साउंड निकलता है, वो साउंड सामने जाकर फिर रिफ्लेक्ट किसी चीज़ से टकराता है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस इसके कानों में पहुंचता है. इसी को कहते हैं इको साउंड. और इस इको साउंड के बेस पर ये बैट फ्लाई करता है. ठीक है, फिर ये स्निफर डॉग, इसकी स्मेल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. ऐसे ही रोस्टर क्राउनिंग इन द मॉर्निंग, मुर्गा कैसे भाग देता है सुबह सुबह. अब आपको पता है कि बैट कैसे देखता है रात में, दिख बता दिया मैंने कैसे है. मैंने आपको ये स्निफर डॉग जो है वो पुलिस में काम आता है वैसे, है ना, क्योंकि इनकी जो मिशंस, इनकी जो स्मेल करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है. इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको वैसे ही समझा दिया इस साइड में. ठीक है, व्हाइल मूविंग आंट्स सीक्रेट एंड ऑर्डर सब्सटेंस सो दैट द आंट्स मूविंग बिहाइंड फॉलो देम और आइडेंटिफाई द वे. कि जब मूव करती हैं आंट अपने पीछे एक सब्सटेंस छोड़ती जाती है जिसकी वजह से जो आंट्स हैं वो उसको एक एक आंट को फॉलो करती है. व्हेन एन आंट बाइट्स अस देन इट इंजेक्ट्स दैट पॉइजनस सब्सटेंस इनटू आवर बॉडी विच कॉजेज पेन. और जब एक आंट हमको बाइट करती है यानी काटती है तब ये इंजेक्ट यानी कि वही जो पॉइजनस सब्सटेंस जो वो पीछे छोड़ती जाती है उसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाती है जिससे कि हमको दर्द होता है. गिन्नी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विथ हर ब्रदर दीपक. गिन्नीज फुट गॉट हिट विद अ स्टोन. शी सॉ दैट अ लार्ज ग्रुप ऑफ आंट्स वॉज अंडर हर फुट. गिन्नी अपने पड़ोसी, अपने भाई के साथ पड़ोस में जा रही थी तो गिन्नी का पाँव जो है वो एक पत्थर से टकराता है. तो वो देखती है कि चींटियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो उसके पाँव के नीचे था. शी गॉट नर्वस एंड स्टार्टेड रनिंग अलॉन्ग विथ हर ब्रदर. वो एकदम से नर्वस हो जाती है और अपने भाई के साथ दौड़ने लग जाती है. एट हर नेबर्स गेट अ डॉग वॉज टाइड. उसके पड़ोसी के गेट पर एक कुत्ता बंधा हुआ था विच स्टार्टेड बार्किंग, जो कि भौंकने लग जाता है. दीपक टोल्ड हर दैट द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स एंड डजेंट लेट देम कम इन. दीपक कहता है कि ये जो डॉग है वो स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबियों के ऊपर भौंकता है, बार्क करना यानी भौंकना, और उनको अंदर नहीं आने देता है. चिंकी एंड चिंटू वर ओवरवेल्म्ड विद जॉय इन प्लेइंग हाइड एंड सीक गेम. मतलब वो उसमें आराम से एंजॉय कर रहे थे हाइड एंड सीक गेम को, चिंकी और चिंटू. अ 2 रुपी कॉइन ऑफ वन ऑफ देयर फ्रेंड्स वेल डाउन. तो उनके फ्रेंड का किसी का 2 रुपये का सिक्का नीचे गिर जाता है. ऑल स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज इट वॉज डार्क. लेकिन सभी उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन किसी को भी वो नहीं मिलता है क्योंकि उस टाइम अंधेरा होता है. सडनली चिंटू सा अ बैट फ्लाइंग फास्ट. ही सेड लुक द बैट इज फ्लाइंग इजिली इन डार्क वाइल वी आर नॉट एबल टू फाइंड अवर कॉइन. कि चिंटू एक बैट को उड़ते हुए देखता है, कहता है देखो ये तो आराम से बैट तो उड़ रहा है अंधेरे में भी और हमको अपना सिक्का नहीं मिल रहा है. देन चिंकी टोल्ड दैट डिफरेंट लिविंग विंग्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज टू सी एंड टू वर्क. तब चिंकी बताती है कि अलग अलग लिविंग विंग्स की अलग अलग कैपेसिटीज होती है देखने की और काम करने की, है ना. बैट्स जो होते हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स होते हैं, है ना. और आप लगभग
1,240 बेड स्पेशीज जो है उनको दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया, लार्जली फ्रूट ईटिंग है ना और हाईली स्पेशलाइज इकोलोटिंग माइक्रोबर्ड्स। अब देखो ब्रिंग सच फ्रूट इन टू द क्लास विच आर अवेलेबल अंडर पोषाहार योजना, कि पोषाहार योजना के अंदर जो अवेलेबल हो ऐसे कुछ फ्रूट क्लास में लेकर आ जाओ। इफ़ पॉसिबल ब्रिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट, अगर पॉसिबल हो तो अलग अलग टाइप के फ्रूट लाओ। नाउ गिव द फ्रूट्स टू टू ब्लाइंड फोल्डेड स्टूडेंट टू स्मेल, अब दो जो अंधे बच्चे हों उनको स्मेल करने के लिए फ्रूट दो। आस्क देम टू आइडेंटिफाई द फ्रूट बाय स्मेलिंग, उनको कहो कि वो स्मेल करके उन फ्रूट्स को पहचाने। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर्स, इसी तरह कुछ फ्लावर के साथ भी एक्टिविटी इसी तरीके से करो। आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स, फिर उनको दूसरी चीज़ें भी पहचानने के लिए कहो, जैसे कि लाइक सोप है, शुगर है, सॉल्ट, पेन, पेंसिल, ये सब है ना, इन सबको बाय टचिंग, टच करके स्मेल करने के से पहचानने का कहो, फिर सोप शुगर इन सबको टच करके छू के पहचानने का कहो। गिव समथिंग अच्छा, आप अगर ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आप उनसे फिर देख सकते हो कि कौन सी थी चीज़ें थी जो वो पहचान स्मेल करके पहचान नहीं कर पाए, और कौन सी उन्होंने पहचान कर ली, कौन सी उन्होंने छू के पहचानी है ना, कौन सी जो उन्होंने टेस्ट करके कर देखी होगी, कौन सी चीज़ें होती है जैसे कि हाउ कैन यू सर्च अ डेड रैट, आप एक मरे हुए चूहे को कैसे पहचान सकते हो उसकी स्मेल से है ना, स्टेल फूड को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो उसकी स्मेल से, और जो रेट्स जो है वो अपने खाने तक कैसे पहुंचते हैं वो भी स्मेल करके ही पहुंचते हैं अपने खाने को है ना। हु कैन सी हाउ फार, अब कौन कितना दूर देख सकता है। राइट डाउन सम नेम्स ऑन अ पेपर, अब आप पेपर पर कुछ नाम लिख दो, जैसे कि प्लेसिट ऑन अ वॉल, उसको वॉल पे लगा दो। नाउ सीइंग द नेम्स वॉक अवे फ्रॉम द वॉल एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली, अब आप वॉल से थोड़ा दूर हो और आप देखोगे आप कितनी दूर से उन नाम को उन नेम्स को इजीली देख पाते हो। आई स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लाई और अ मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट, एक मक्खी का और एक मॉस्किटो का मच्छर का जो आई स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अलग होता है। दे फ्लाई अवे एट वंस सीइंग एनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वो कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट्स होता है ना तो एक उसको देख कर वो फ्लाई अवे करते हैं। Their eyes are different from the eyes of human beings and animals. उनकी जो eyes होती है mosquito और fly की वो इंसानों से और जानवरों से बिल्कुल अलग होती है। A loud wedding procession was passing near Mayank's house. Mayank के घर के पास से एक बहुत ही जो loud wedding procession मतलब शादी हो रही थी जो जा रही थी। Seeing this Mayank put his fingers into his ears, जैसे बारात जाती है ना उस टाइप से जा रही थी, बारात ही जा रही थी एक तरीके से, तो मयंक क्या करता है अपने कानों में फिंगर्स डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लाउड था। गुंजन आज दिन, गुंजन उससे कहती है व्हाट हैपन, मयंक सेड इट्स वेरी नॉइजी, तो मयंक कहता है बहुत ही शोर हो रहा है। तो मुनिया आस्ट व्हाट डज इट मीन बाय नॉइज, तुम्हारा नॉइज से क्या मतलब है। तो मयंक कहता है कि व्हेन वी हियर अ साउंड लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज़ कॉल्ड नॉइज, जब हम अपनी हियरिंग सुनने की क्षमता से ज़्यादा कैपेसिटी का साउंड होता है तो उसको हम कहते हैं नॉइज। ओके अच्छा, क्या आपने कभी अपने घर के आसपास नॉइज सुना है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई होगी है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हुई होगी। तो क्या हमको नॉइज करना चाहिए? नहीं, हमको नॉइज नहीं करना चाहिए। नॉइज मीन्स शोर, नॉइज मीन्स शोर, तो हमको शोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अ डॉग बिकम्स अलर्ट हियरिंग इवन अ लो साउंड, डॉग जो है अलर्ट हो जाता है जब उसको एक छोटा सा हल्की सी भी आवाज़ आती है। तो बैट प्रोड्यूसेस हाई पिच्ड साउंड वाइल फ्लाइंग, बैट जो है वो हाई पिच का साउंड प्रोड्यूस करती है जब वो उड़ती है। द साउंड कम बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट, सामने जो भी चीज़ होती है उसको वो साउंड हिट करता है। और हियरिंग दिस इको, इस इको को सुनकर बैट जो है वो ईजिली नाइट टाइम में भी फ्लाई कर पाती है। Different living creatures have different hearing capacity. अलग अलग जो living creatures प्राणी होते हैं उनकी अलग अलग hearing capacities होती है। तो you see different types of animals, write down in table and discuss which season are they not seen. जैसे कि कौन से आपको किस season में इनको नहीं दिखता है ये आप लिख सकते हो यहाँ से। Okay. Where do frogs disappear during summer? Summer होता है तो ये frogs कहाँ चले जाते हैं? तो वो अपने अपने होल में छुप जाते हैं। Where do mosquitoes disappear during extreme winter? जब बहुत ज़्यादा winter होती है तो ये mosquitoes कहाँ, हमको बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो मच्छर नहीं काटते ना, क्यों नहीं काटते? क्योंकि वो उसको
एक्सट्रीम जो विंटर होती है उसको वो सहन नहीं कर पाते। हाउ डू दीज एनिमल्स गेट देयर फूड, इनको अपना खाना कहाँ से मिलता है ऐसे जानवरों को, है ना। डिम्पल कहती है, चंदर ब्रो कैन आई ऑल्सो लिव अंडर वाटर लाइक अ फिश एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड। चूंकि चंदर भैया क्या मैं भी जैसे फिश के जैसे पानी के नीचे और बर्ड के जैसे उड़ सकती हूँ। चंदर कहता है, डिम्पल ऑल लिविंग विंग्स हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज। कि डिम्पल हर एक जो लिविंग विंग होता है उसकी अपनी खुद की स्पेशल क्वालिटीज होती है। ह्यूमन विंग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा, है ना, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कि इंसान है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट अलग होते हैं। कॉलोनी ऑफ आंट्स, देयर इज एन आंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिम्मीज हाउस। सिम्मी के घर के पास में एक चींटियों का होल था। आंट्स वर एंटरिंग इनटू इट। आंट्स उसमें एंटर कर रही थी, फॉर्मिंग अ लाइन। और वो कैसे एंटर कर रही थी, लाइन बनाते हुए। द सेम वे लॉट्स ऑफ आंट्स वर सीन मूविंग अंडर अ पॉट इन द गार्डन। कि इसी तरीके से बहुत सारी जो चिड़िया चींटियाँ थी वो एक गार्डन में एक पॉट रखा हुआ था उसके नीचे जा रही थी। इट वॉज अ बिट मॉइस्ट देयर, वहाँ पर कुछ नमी थी। मॉइस्ट यानी कि नमी। वेन द पॉट वॉज रिमूव, जब उस पॉट को हटाया गया, द आंट्स स्टार्टेड टेकिंग अवे देयर एग्स, तो आंट वहाँ से अपने अंडों को ले जाने लगी। हियरिंग सिम्मी हियर मदर टोल्ड दैट आंट्स लिव इन कॉलोनीज। कि ये सुनकर सिम्मी अपनी मम्मी से कहती है कि आंट जो है वो कॉलोनीज में रहती है। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनकी अपनी दुनिया होती है। आंट्स लिव इन सॉइल ट्रीज एंड एट सेफ प्लेसेस इन हाउसेस। आंट जो है वो सॉइल में, मिट्टी में, ट्रीज के अंदर और जो घरों में जो सेफ प्लेसेस होते हैं वहाँ पर रहती है। वट आर द प्लेसेज वेयर आंट्स लिव। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो कि दे लिव इन सॉइल ट्रीज इन सेफ प्लेसेज इन हाउसेज। वाई डू आंट्स मार्च इन प्रोसेशन, लाइन में क्यों चलती है वो आंट्स, है ना, क्यों चलती है लाइन में वो, क्योंकि वो अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती जाती है, ऑडर सब्सटेंस छोड़ती जाती है और उसको फॉलो करते हुए चलती है। इसलिए ड्यूरिंग विच सीजन डू द आंट अपियर मोस्ट, ज़्यादातरली कब दिखती है वो, समर में दिखती है। डू दे वर्क अलोन और कलेक्टिवली, क्या वो अकेले काम करती है, कलेक्टिवली काम करती है, तो वो कलेक्टिवली काम करती है। मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदर, मदर जो है वो डिम्पल और चंदर से कहती है, सी आंट्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली। आंट कैसे काम करती है, कलेक्टिवली मिलकर काम करती है। यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर, आपको भी साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज आंट्स आर कॉल्ड क्वीन आंट, और अपने ड्यूटीज के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग आंट को क्या क्या कहते हैं, क्वीन आंट, वर्कर आंट्स एंड सोल्जर आंट्स। सॉल्ट और सॉल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल टू डिस्पर्स आंट, उनको अगर डिस्पर्स करना है, उनको हटाना है, तो या तो नमक या नमक का पानी डाल देते हैं। दीज डेज इंसेक्टिसाइड इज ऑल्सो यूज टू डिस्पर्स आंट्स, आज तो इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं। दिस इज हार्मफुल फॉर अस टू, जो कि हमारे लिए भी नुकसानदायक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, वर्क्स ऑफ आंट्स टू ले एग्स, एग देने का काम कौन करती है, क्वीन आंट। टू टेक केयर ऑफ द एग्स, एग का ध्यान कौन रखती है, वर्कर आंट। टू प्रोटेक्ट एग, हाउस सिक्योरिटी एट्सेट्रा, ये अंडों की सुरक्षा करने का काम सोल्जर आंट करती है। अच्छा, वॉट आर द प्लेसेस अराउंड यू वेयर देर आर मोर नंबर ऑफ आंट्स कॉलोनीज, कौन कौन से प्लेसेज आपके आसपास हो सकते हैं जहाँ पर ज़्यादातर आंट्स की कॉलोनीज यानी ग्रुप में आंट्स रहती है ना। वट आर द सोल्यूशन टू प्रोटेक्ट फ्रूट फ्रॉम आंट्स, अब चींटियों को अगर खाने में चींटियों को बचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारे जो है वो रेमेडीज होती हैं। आंट्स आंट्स हैव कॉलोनाइज ऑलमोस्ट एवरी लैंड मासेज ऑन द अर्थ, हर जो लैंड मास है वहाँ पर आपको आंट्स ज़रूर मिलेगी यानी चींटियाँ मिल जाती है। द ओनली प्लेसेस वेयर दे आर नॉट फाउंड, सिर्फ वो जगह जहाँ पर वो नहीं मिलती वो है अंटार्कटिका और कुछ जो रिमोट आइलैंड है वो, है ना। आंट जो है वो थ्राइव इन मोस्ट इकोसिस्टम में फ्रॉम 15 to 20% ऑफ द टेरेशियल एनिमल बायोमास, जितने भी यहाँ पर एनिमल्स है ना उसका 15 to 25% उतनी चींटियाँ हैं। डिम्पल वॉज टेलिंग टू हर मदर, दादी अम्मा हु लिव्स इन हर नेबरहुड फीड आंट्स विथ कसार फ्लोर मिक्सचर इन द गार्डन, कि हमारे पास में जो दादी अम्मा रहती हैं वो चींटियों को कसार खिलाती है यानी कि आटे का मिक्सचर। वाई डज शी डू दैट, तो वो ऐसा क्यों करती हैं, मोम सेट टू हर, तो उसकी माँ उसको कहती है, सम पीपल फीड आंट बाय गिविंग दैम मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर, कि कुछ लोग जो होते हैं वो चींटियों को खिलाते हैं घी आटा और शक्कर का मिक्सचर बना के। दे फील दैट दीज लिविंग बींग्स शुड बी प्रोवाइडेड फूड, वो ये फील करते हैं कि ऐसे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको खाना प्रोवाइड करवाना चाहिए। अच्छा, अब बताइए, आप मिक्सचर ऑफ घी शुगर एंड फ्लोर इज गिवन टू आंट्स,
द सेम वे विच आर द अदर लिविंग क्रिएचर हु आर गिवन फ्लोर बॉल्स. अच्छा, इसी तरीके से जैसे कसार होता है ना, गुए शुगर और आटे का मिक्सचर, वो चींटियों को दिया जा सकता है, ऐसे ही आटे की बॉल्स बना के किस क्रिएचर को दिया जाती है, किसको दी जाती है, फिश को, है ना. मछलियों को आटे की गोलियां खिलाई जाती है ना. एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव सेंसेस टू स्मेल, स्पीक, सी, हियर एंड फील टू. कि एनिमल्स और जो चिड़िया होती है उनके सेंसेस होते हैं, वो स्मेल कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो सुन सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. बर्ड्स लाइक ईगल, हॉक, वल्चर एक्सेट्रा कैन सी देयर प्रे फ्रॉम माइल्स अवे, एंड एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड्स. कि जैसे कि ईगल है, हॉक है, वल्चर है, ये सब जो होते हैं वो अपने प्रे यानी कि शिकार, अपने शिकार को बहुत मीलों दूर से ही वो देख लेते हैं. जैसे कि डॉग जो है वो छोटी सी भी हल्की सी भी आहट होगी उसको वो सुन लेता है. सम इंसेक्ट्स कैन आइडेंटिफाई देयर फूड फ्रॉम स्मेल. कुछ इंसेक्ट अपने खाने को स्मेल करके, सूंघ कर ही पहचान लेते हैं. हाउ डज द मॉस्किटो फाइंड यू. मॉस्किटो आपको कैसे फाइंड करता है, वो अपने खाने को स्मेल कर लेता है. हाउ डू डॉग्स आइडेंटिफाई एनी वे, क्योंकि वो छोटी सी भी साउंड होती है, सॉफ्ट साउंड, उसको भी वो सुन लेते हैं. जनरली द आइज ऑफ द बर्ड आर ऑन द टू साइड्स ऑफ देयर हेड. जनरली बर्ड्स की जो आँखें होती हैं वो उनके हेड के दोनों तरफ होती है. बर्ड्स कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. वो एक टाइम में दो अलग अलग चीज़ों को बर्ड देख सकती है. द बर्ड्स हुज आइज कैन नॉट मूव जनरली मूव देयर नेक टू लुक अराउंड. और वो बर्ड जिनकी आँखें मूव नहीं करती है, वो क्या करती है, अपनी गर्दन को मूव करवाती है. सिमिलरली इट इज़ बिलीव दैट द एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम कैन आइडेंटिफाई फ्यू कलर्स. तो इसी तरीके से ये भी मान सकते हैं हम कि कुछ जानवर और चिड़ियाँ जो होती है वो जो कि दिन के टाइम एक्टिव होते हैं वो कलर्स को भी पहचान सकती है. एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग नाइट. और वो जानवर और चिड़ियाँ जो कि सिर्फ रात के टाइम एक्टिव होते हैं कैन सी एवरी थिंग ओनली इन ब्लैक एंड वाइट. वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट जो होता है सिर्फ वही सारी चीज़ें देख सकते हैं. अब हाउ डू बर्ड्स वार्म अदर बर्ड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस. कैसे वार्म करती है वो आवाज़ निकाल के. हाउ डज ईगल, वल्चर एक्सेट्रा सर्च फॉर देयर फूड. वो देख कर, क्योंकि उनकी जो सींग कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है. हाउ डज फिश वार्न ईच अदर ऑफ एनी डेंजर. तो कैसे फिश एक दूसरे को वार्न करती है. सम बर्ड्स मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ डेंजर. अलग अलग खतरों के लिए कुछ बर्ड्स अलग अलग आवाज़ें निकालती है. फॉर एग्जाम्पल, अ डिफरेंट साउंड फॉर अ फो विच इज़ कमिंग फ्लाइंग एंड अ डिफरेंट साउंड फॉर वन कमिंग वॉकिंग ऑन द ग्राउंड. जमीन पर चलने वाले के लिए अलग साउंड निकालती हैं और जो आकाश में उड़ने वाला है उनका जो शिकारी होता है उसके लिए वो अलग साउंड निकालते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि डिफरेंट एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इन सब की अलग अलग हियरिंग कैपेसिटीज होती है, है ना. बैट जो है वो इको सुनकर रात में उड़ता है. हम सब को आंट चींटियों के जैसे मिलकर काम करना चाहिए, है ना, और हमें जानवरों को खाना भी खिलाना चाहिए. अब जैसे कि आप ये देख सकते हो, राइट डाउन द स्पेशल क्वालिटीज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो. ये टेबल दे रखा है, ठीक है. अब यहाँ पर आप इस टेबल को आपको पूरा कंप्लीट करना है. जैसे कि बर्ड वे ऑफ फीडिंग कैसे खाती है, वो मूव करती है, स्विम करती है, फ्लाई करती है. तो वो क्या करती है, फ्लाई करती है. और वो फीड कैसे करती है, वो क्या खाती है, ग्रेन्स, ठीक है. फायर फ्लाई, ये भी फ्लाई करता है. फिश वे ऑफ फीडिंग कैसे करती है वो, और क्या करती है, स्विम. इस टाइप से ये जो एक्सरसाइज है, ये जो होमवर्क है आपको कंप्लीट करना है. और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका आपको पीडीएफ बनाकर अलग से प्रोवाइड करवाया जाएगा. अब जैसे कि यहाँ पर आपकी पीछे एक टेबल बना रखी है, ये जैसे क्वीन आंट, ठीक है, फिर वर्कर आंट और सोल्जर आंट. अब क्वीन आंट क्या करती है, टू ले एग्स. ये क्या करती है, एग्स देती है. वर्कर आंट क्या करती है, टेक केयर ऑफ एग, उनका देखभाल करती है. टू टेक केयर ऑफ एग्स. और सोल्जर आंट क्या करती है, टू प्रोटेक्ट एग्स. ठीक है,
अब इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन देखो देखो, विच ऑफ दीज थिंग्स कैन बी आइडेंटिफाइंग थ्रू स्मेल, कौन कौन सी चीज़ें आप स्मेल करके पहचान सकते हो, वाटर, एयर, सन या फ्लावर, तो कौन सा पहचान सकते हैं आप, फ्लावर। विच ऑफ दीज पोजेसेस आई डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों से अलग जिनकी आईज होती है वो किसकी होती है, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस, तो ए एंड बी, सी इसका राइट आंसर। गिव वन रीजन वाई शुड वी अरेंज फूड फॉर अदर लिविंग बींग्स, क्योंकि वो खुद से अरेंज नहीं कर पाते इसलिए हमें उनके लिए अरेंज करना चाहिए। विच एनिमल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसमें से किसकी स्मेल सेंस सबसे अच्छी है, आंट, क्रो, एलिफेंट या डॉग, सबसे अच्छी किसकी है, डॉग की, लाइक स्नीफर डॉग। हु फ्लाइज इन द नाइट यूजिंग इकोलेशन, इकोलेशन का यूज करके कौन रात में फ्लाई करता है, बैट, इसका आंसर है आपका ए। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर हो रहा है ना, क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको अलग से हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।